हेलो दोस्तों, हमारी चैनल कुकला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। मैंने गाजर को धोकर साफ़ कर लिया है। चलिए इसे कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए, हम ऐसे ही सारा गाजर कद्दूकस कर लेंगे। मैंने पहले से भी और किया हुआ है। देखिए, मैंने सारे गाजर कद्दूकस कर लिया है। ये 1 किलो गाजर है। अब हम इसे उबाल लेते हैं। अब हम इसे कुकर में बस थोड़ी सी 4 चम्मच पानी डालकर उबाल लेंगे भाप बनाने के लिए। पानी तो इसमें खुद ही है। देखिए, मैंने कुकर में गाजर डाल दिया है और इस पर थोड़ी सी बस इतना सा पानी डालेंगे भाप बनाने के लिए। ये गल जाएगा तो खुद ही बहुत पानी छोड़ेगा। तो चलिए उबाल लेते हैं पहले। देखिए, मैंने गैस जला दिया है। अब इसको 2 सीटी आने तक उबालेंगे। चलिए देख लेते हैं, मेरा गाजर उबल चुका है। देखिए, मैंने 2 सीटी लगा दिया है। इस तरह से हो गया है एकदम। थोड़ा पानी है इसमें अभी, इसको छान लेते हैं। देखिए एकदम गल गया है। ज़्यादा पानी नहीं है इसमें, फिर भी थोड़ा पानी है, इसको छान लेते हैं। देखिए इस तरह से। चलिए हम इसका पानी छान लेते हैं। देखिए, इस तरह से जालीदार बर्तन लिया हुआ है मैंने। आप चाहे तो कपड़े से भी इसको छान सकती हैं। जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, इसको ज़्यादा निचोड़ेंगे नहीं। देखिए, मैंने इसको एक जालीदार बर्तन में निकाल लिया है। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा दबा देंगे, इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा निकल जाएगा। देखिए, मैंने इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। इसको ज़्यादा नहीं निचोड़ेंगे, नहीं इसका टेस्ट नहीं आएगा। देखिए इतना पानी निकला है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, मैंने 1 गिलास दूध ले लिया है। ये 1 पाव दूध है। दूध को थोड़ा गाढ़ा करेंगे। देखिए, दूध उबल कर आधा हो चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे गाजर। देखिए, इतना दूध था, जल कर आधा हो चुका है, थोड़ा गाढ़ा हो गया ये। और इसमें गाजर मिलाएंगे। देखिए, मैंने गाजर को अधिक निचोड़ा नहीं है, इसमें अभी पानी है, इससे इसका टेस्ट अधिक अच्छा आता है। अगर आप इसका सारा पानी निकाल देंगे तो गाजर का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अब हम इसमें मिलाएंगे चीनी। देखिए, 250 ग्राम चीनी है। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं।
एक किलो गाजर है उसके हिसाब से मैंने एक पाव चीनी लिया हुआ है। छुहारा काट लिया है मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में, इसको भी डाल देंगे। एक किशमिश, मैंने किशमिश को भी दो टुकड़ों में काट लिया है। अगर आपके पास मेवे नहीं है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ इलायची से भी स्वाद आता है अच्छा। अब हम गैस बंद कर देंगे और मिला लेंगे इलायची। देखिए मैंने 8 इलायची कूट लिया है, इस तरह से महीन कर लिया है। अब हम इसको मिलाएंगे। अब इलायची जब भी मिलाएं गैस बंद करके तब मिलाएं। देखिए मैंने सारे मेवे और इलायची मिला लिया है, मेरा हलवा बनकर तैयार है। आप भी इसी तरह से हलवा बनाइए। अगर आपके पास खोआ नहीं है तो दूध को थोड़ा गाढ़ा करिए और उसमें गाजर मिलाकर चीनी मिलाकर बनाइए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास था खोआ इसलिए मैं डाल दे रही हूँ। देखिए हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये गाजर का हलवा कैसा लगा। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी नए साल पर इसी तरह से गाजर का हलवा बनाइए, खाइए और खिलाइए। थैंक यू।